हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 6 अगस्त 2019 की सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पूरे दिन भर की 6 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। आपको सारे के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारी सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हम आपको एक बात और बता दें, अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो आप तक हमारा वीडियो कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, यानी आप तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच पाएगा अगर आप इस घंटे के निशान को नहीं दबाते हैं, इसलिए इसको ज़रूर दबा लीजिए। चलिए आपको लेके चलते हैं कि न्यूज़ करके सारी जो आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है। चलिए आपको पहले न्यूज़ पर लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे ऑफिसर्स गोट नोड टू फ्लाई इन एयर। रेल अफसरों की विमान यात्रा की अनुमति मिली। दिल्ली मुंबई और कोलकाता का हवाई किराया एसी फर्स्ट और एसी सेकंड किरायों से भी सस्ता है। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ये न्यूज़ है। रेलवे ने दक्षिण पश्चिम जोन के अधिकारियों को दिल्ली मुंबई और कोलकाता जाने के लिए हवाई यात्रा की मंजूरी दे दी है। रेलवे का कहना है कि अधिकारियों को सिर्फ 2 घंटे की बैठक में शामिल होने के लिए ट्रेन से 3 दिन का सफ़र करना पड़ता है। इतना ही नहीं, हवाई सफ़र ट्रेन के एसी फर्स्ट और एसी सेकंड के किराए से भी सस्ता है। यानी कि रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब वो 2 या 3 घंटे की जो बैठक होती थी उसके लिए जो ट्रेन से 2 या 3 का ट्रैवलिंग करके जाते थे, अब वो जो है हवाई यानी कि प्लेन से भी जा सकते हैं, क्योंकि एसी फर्स्ट और एसी सेकंड के किराए से भी सस्ता कई बार होता है हवाई किराया। तो चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है ग्रामीण डाक सेवक की, जो ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड आ रही जो उनकी कंबाइंड ड्यूटी, आपको पता है इससे पहले सिंगल हैंडेड जो ब्रांच ऑफिस थी उनमें की गई थी, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आ रही है। आप इसमें सब्जेक्ट में देख सकते हैं ग्रांट ऑफ कंबाइंड ड्यूटी टू GDS BPM ऑफ सिंगल हैंडेड ब्रांच ऑफिस। चलिए इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पहले वो हम देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। आप इसमें सबसे पहले इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर वी देयरफॉर रिक्वेस्ट टू काइंडली गेट क्लियर इंस्ट्रक्शन दैट इन केस इवन आफ्टर रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस GDS देयर रिमेन GDS BPM डूइंग एडिशनल ड्यूटी ऑफ डिलीवरी मेल कॉन्वियंस और बोथ दिस शुड बी ग्रांटेड कंबाइंड अलाउंसेज एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कमलेश चंद्रा कमेटी। तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने क्लियर बिल्कुल जो गाइडलाइंस हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन है, वो मांगे हैं कि अगर कोई GDS BPM जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है एडिशनल अगर ड्यूटी करता है तो उसको क्या उसके कन्वीनियंस मिलेंगे, क्या उसके वेजेस मिलेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने कंबाइंड अलाउंसेस क्या होंगे जो कमलेश चंद्र कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, एक पूरे कमेटी ने सुझाव दिया था उन्होंने कि ये उनका होना चाहिए सारी चीज़ें। इससे पहले भी हम इस चीज़ को बता चुके हैं, तो उसी के बारे में रिगार्डिंग ये न्यूज़ आ रही है। आप देख सकते हैं GDS से रिलेटेड ये न्यूज़ है। चलिए आपको तीसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। तीसरी न्यूज़ जो आ रही है वो भी ग्रामीण डाक सेवकों से रिलेटेड आ रही है, जो उनको 5 घंटे और 4 घंटे काम करने को लेकर आ रही थी न्यूज़, जो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आर्बिट्रेरी डाउनग्रेडन ऑफ GDS एम्प्लॉइज फ्रॉम 5 आवर्स ग्रुप टू 5 आवर्स ग्रुप एंड इलीगल रिडक्शन इन TCRA सम सर्किल स्पेसिफिक कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर रिसोर्टिंग टू आर्बिट्रेरी डाउनग्रेडन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ऑलरेडी इन द ग्रुप विच वर्क फॉर 5 आवर्स टू ग्रुप वेयर द वर्क आर 4 आवर्स एंड हैज बीन रिजोर्टिंग टू रिडक्शन TCRA। दिस इज इलीगल एंड वायोलेशन ऑफ रूल्स। द रिडक्शन इन TCRA इन अ स्टेटूटरी पनिशमेंट एंड कैन नॉट बी टैक्स ए रिजोर्ट ऑफ हैंड। मोर ओवर देर इज ऑलरेडी अ रूल फॉर पे प्रोटेक्शन। आप इसमें देख सकते हैं इन्होंने क्लियर बोला है कि जो भी ग्रामीण डाक सेवक स्पेशली कर्नाटका और तमिलनाडु की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी डाउनग्रेडन किया जा रहा है ग्रामीण डाक सेवक का, जहाँ पर 4 घंटे से लेके 5 घंटे तक के लिए जो उनका है TCRA में रिडक्शन किया जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। चलिए आपको नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑन डिफेंस अकाउंट पेंशन इलाहाबाद की तरफ से न्यूज़ आ रही है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में देखेंगे सबमिशन ऑफ सुपर एन्यूएशन या रिटायरिंग पेंशन क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विस एस्टिमेट। यानी कि आपको जो भी आपको जब रिटायर हुए थे आया तो आपको जो पेंशन क्लेम करनी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविलियन और डिफेंस सर्विस एस्टिमेट की तरफ से, उसी रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। आप देख सकते हैं
फर्दर पेपर शैल बी फॉरवर्डेड टू दिस ऑफिस नॉट लेटर देन 6 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंसिस्टेंट विद रूल इन कॉन्सोनेंस विद रूल ऑफ 61 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 इन व्यू ऑफ द अबव यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू इश्यू सुटेबल इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ द सर्कुलर टू ऑल द हेड ऑफ ऑफिसर्स अंडर यूर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टू इंश्योर दैट पेंशन पेपर ऑन द सब्जेक्ट मैपर हैंसफोर्थ आर फ्लोटेड इन अकॉर्डिंग विद इंस्ट्रक्शन गिवन इन अबव पैरा। आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी जो भी सबमिशन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे 6 महीने के अंदर आपको 6 महीने के बिफोर आपको डेट के रिटायरमेंट होके गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी है आपको सबमिट करने होंगे उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं इसमें। और लास्ट न्यूज़ जो आ रही है हॉलीडेज होम से रिलेटेड आ रही, सॉरी 5वीं न्यूज़ आ रही है, जो भी आप देख सकते हैं न्यूज़ आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट पोस्ट के वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स सेक्शन के स्पोर्ट्स एंड सेक्शन से, जो आप डिपार्टमेंट पोस्ट में आप देख सकते हैं कि जो हॉलीडेज होम्स होते हैं उसमें अपडेट किया गया है, उसकी लिस्ट पूरी अपडेट हो गया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं पूरी अपडेट हो के आ गई है हॉलीडेज होम्स की लिस्ट, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं उस लिस्ट में। चलिए आपको नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ही आ रही है, इसमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए तमिलनाडु सर्कल की बात हो रही है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में कंडक्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम ग्रामीण डाक सेवक GDS फॉर रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट फॉर द अनफिल्ड डिपार्टमेंट कोटा वैकेंसीज ऑफ द ईयर 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19 तक की जो भी एग्ज़ाम है पूरा आपको ये समझिए ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के लिए वो एग्ज़ाम होने वाला 15-9-2019 को, यह आप देख सकते हैं इसमें। और वैकेंसीज डिटेल्स भी आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन की गई है कि जो जो वैकेंसीज डिटेल्स हैं, तो मैंने आपको सारी न्यूज़ बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल थैंक यू सो मच।